पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी, तब ना जनता इनको चाह रही है, तब इनको जनता वोट दे रही है। 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं आकाश भाई, पूरा महाराजगंज का समर्थन इनके संग है। हमारे प्रत्याशी तो बिहार कौन कहे कि हिंदुस्तान स्तर का सुपर डुपर प्रत्याशी है आकाश कुमार सिंह जी। जी पूरा तूफान चल रहा है आकाश कुमार सिंह जी का, वन वे ट्रैफिक हो गया है। आज स्थिति यह है कि सिग्रीवाल जी अपने भाजपा के डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं, केस ICU में चला गया है। को बचा क्या है? हाँ बोलिए। लड़ाई क्लियर है। हाँ। लड़ाई हम जीत चुके हैं जी। अब केवल सर्टिफिकेट लेना है जी। जी इंडिया गठबंधन निकल रहा है, 400 का पार नहीं, 400 से हार है, 214 पर कांग्रेस, 214 पर NDA सिमटने जा रही है। चर्चाओं में है, लगातार जनसंपर्क अभियान चल रहा है और जैसे कि आप देख रहे हैं महाराजगंज लोकसभा के विभिन्न गांवों में, कस्बों में, मोहल्लों में, तमाम जगहों पर जाकर के आम जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और इसी क्रम में आकाश प्रसाद सिंह का आगमन, यहां एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, महायज्ञ का कार्यक्रम, और इस महायज्ञ कार्यक्रम में आज पूर्णावति है और इस शुभ अवसर पर इनका शुभागमन हुआ है। यहां मंदिर में आकर के इन्होंने पूजा अर्चना करके भगवान से आशीर्वाद लेकर के और महाराजगंज लोकसभा का चौमुखी विकास का संकल्प लेते हुए आम जनमानस के बीच पहुंचे हुए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अलग अलग महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आकाश प्रसाद सिंह का भ्रमण हो रहा है और जन समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, लोगों में काफी उत्साह है और इस बार महाराजगंज की जनता विकास के मुद्दे पर गोलबंद हो रही है। सर आपका आगमन हुआ और इस मंदिर में आकर के आपने पूजा की जी। हाँ विधायक जी मौजूद हैं, इसमें विधायक जी क्या कहेंगे सर, आप लोग का जो गठबंधन है इस बार और क्षेत्र में जो आप तमाम लोग पहुँच रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? अब आप तो सब बोलिए दिए हैं। हाँ जन संपर्क जो हो रहा है, जो इनको मिल रहा है जन समर्थन, हाँ। आपने तो सब बोली दिया। हाँ। तो हम लोग को इसमें बोलने का क्या है? नहीं ये तो सर्वेक्षण हम लोग करते हैं और उस आधार पर आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया आती है, ऑन द ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ महाराजगंज लोकसभा। तो आप वर्तमान विधायक हैं, ये तो आप समझ रहे हैं कि इसका पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी, तब ना जनता इनको चाह रही है, तब इनको जनता वोट दे रही है। 2.5 लाख वोट से जीत रहे हैं आकाश भाई, पूरा महाराजगंज का समर्थन इनके संग है। देखिए एकमा के वर्तमान जो विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उन्होंने कहा कि आम जनमानस का आशीर्वाद और विकास के मुद्दे पर भाई क्या कहेंगे सर अपने प्रत्याशी के बारे में? हमारे प्रत्याशी तो बिहार कौन कहे कि हिंदुस्तान स्तर का सुपर डुपर प्रत्याशी है आकाश कुमार सिंह जी। जी जिसको यहाँ के लोगों ने नेता नहीं बेटा भाई और सच्चा सिपाही के रूप में माननीय सांसद बनाने जा रहा है जी। जी पूरा तूफान चल रहा है आकाश कुमार सिंह जी का, वन वे ट्रैफिक हो गया है। हाँ। आज स्थिति यह है कि सिग्रीवाल जी अपने भाजपा के डॉक्टरों से गुहार लगा रहे हैं, केस ICU में चला गया है। बताइए कि प्रधानमंत्री छपरा आते हैं और गोरिया कोठी आने के लिए उन्होंने आग्रह किया है, इससे पता चल रहा है कि बाजार विदा हो गया है। 25 को बटन करेगा पी या सिग्रीवाल हो जाएंगे टीम। देख रहे हैं आप जिस तरह से जनमानस की प्रतिक्रिया है और कहा जाएगा वर्तमान जो यहाँ सांसद हैं उनके खिलाफ में लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं मंदिर परिसर का, जहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन और यहाँ तमाम देश के कोने कोने से प्रकांड आचार्य विद्वान का आगमन और यहाँ साधु संत महात्मा का आशीष और स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आकाश प्रसाद सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक एकमा यहाँ मौजूद। इन्होंने कहा कि आप लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, देख ही रहे हैं लोकसभा महाराजगंज के अलग अलग कोने में जाने के बाद आपको ओपिनियन पब्लिक का मिल रहा है और धरातल की जो प्रतिक्रिया है उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं। यहाँ लोगों का जो जन समूह आप देख सकते हैं, तमाम लोग स्थानीय लोग यहाँ मौजूद और लोकसभा महाराजगंज के चुनाव को लेकर जी सर क्या कहेंगे आपके जो प्रत्याशी हैं? कहने को बचा क्या है? हाँ बोलिए। लड़ाई क्लियर है। हाँ। लड़ाई हम जीत चुके हैं जी। अब केवल सर्टिफिकेट लेना है जी। जी जो भी जहाँ भी कई मुद्दे उठाए। हाँ। बारी है ये है तो पूछा गया कि बनारस में कौन लोकल है। हाँ। और खुद सिग्रीवाल पहला चुनाव लड़े
तो वो बनियापुर के निवासी थे, बहन के यहाँ रहते हैं, जलालपुर से लड़े। तो उस समय क्या बाहरी और भीतरी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है देश बचाने का। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने इंडिया गठबंधन का सोच रखा है, अगर और चुनाव आकाश जी के साथ साथ इंडिया गठबंधन निकल रहा है, 400 का पार नहीं, 400 से हार है, 214 पर कांग्रेस, 214 पर एनडीए सिमटने जा रही है, बाकी सीट हमारा है। स्थिति है जो आम जनमानस का समर्थन और विपक्ष पर करारा प्रहार, और स्थानीय लोगों से भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये हम लोग सरकार यदि फिर से आ जाए तो कुछ चीज सुंदर होगा, है ना। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आकाश प्रसाद सिंह को पूरा समर्थन आप लोग कर रहे हैं जी, प्रयास कर रहे हैं।